अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी हफ्तम की क्लास टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, सबक नंबर 1, हम्द के बारे में। हम्द के मायने यानी अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। ये तमाम फूल, परिंदे, सूरज, चाँद, सितारे सब अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन, आसमान, सब जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती हैं। आज हम पढ़ेंगे हम्द के सवालों के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, क्या निज़ामे हस्ती खुद ब खुद चल रहा है? निज़ामे हस्ती यानी दुनिया का निज़ाम या कायनात का निज़ाम? जवाब है उसका जी नहीं, ये निज़ामे हस्ती खुद ब खुद नहीं चल रही, यानी इसको चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। यानी वाहिद ज़ात एक अल्लाह ताला की ऐसी ज़ात है जो इस तमाम दुनिया के निज़ाम को चला रही है। सवाल नंबर 2 है, इस निज़ाम को कौन चला रहा है? निज़ाम हस्ती का जिक्र किया गया है यानी अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला इस निज़ाम को चला रहा है। सवाल नंबर 3 है, शायर ने इस हम्द में कौन सी दो सिमतों के नाम लिए हैं? जवाब है मशरिक और मगरिब। आपको जैसे कि मालूम है हमारी सिमतें 4 हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। इसलिए उनमें से 2 सिमतों का जिक्र किया गया है, मशरिक और मगरिब। सवाल नंबर 4 है, शायर के मुताबिक खुदा को कहाँ तलाश करना चाहिए? शायर के मुताबिक खुदा को कहाँ तलाश करना चाहिए? यानी शायर के मुताबिक अल्लाह ताला को बदलती हुई रुतों में तलाश करना चाहिए। बदलती हुई रुतों के मायने के तब्दील हो जाने वाली चीज़ें, यानी दिन को रात में तब्दील कर देना, सुबह को दोपहर में तब्दील कर देना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, या सूरज का निकलना और सूरज का मगरिब के वक्त गरूब होना, दिन का रात में, सुबह का दोपहर में, इसी तरीके को बदलती हुई रुतों का नाम दिया गया है। सवाल नंबर 5 है, शायर के मुताबिक कौन सा काम अमल में आता है? यानी दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील करना अमल में आता है, यानी दिन और रात एक जैसे नहीं रहते हैं, अपने मुकर्रा वक्त पर तब्दील होते रहते हैं। स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपने अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज़ सॉल्व करना है। इसका क्विज़ आपने आज ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको इस लेक्चर में से कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपने इसकी रीडिंग करनी है, बाकी के सवाल हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।